हेलो गाइज, वेलकम टू टेक बस। तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ आईफोन 7 प्लस का। ये फोन 2016 में लॉन्च हुआ था और उसे लॉन्च अगर 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये फोन मैंने अराउंड 12-13 थाउजेंड में खरीदा है सेलबडी से। तो आज मैं इसका एक इनडेप्थ रिव्यू करूँगा, बात करूँगा इसका डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊँगा कि 2023 में आईफोन 7 प्लस लेना वर्थ है नहीं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये iPhone 7 Plus मैंने सेलबडी से खरीदा है और मुझे ऐसे 15,000 का पड़ा है। 128GB वेरिएंट ओपन बॉक्स यूनिट, 32GB आपको 14,000 तक मिल जाएगा। न्यू ईयर सेल में मुझे इसके साथ एक गिफ्ट भी मिला है जो मैं आगे बताऊंगा। तो अगर आप भी इस वीडियो के बाद iPhone 7 Plus या किसी भी iPhone में इंटरेस्टेड है तो सेलबडी के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये है iPhone 7 Plus का बॉक्स। फ्रंट में बॉक्स पर टॉप लेफ्ट में है इसका वेरिएंट डिटेल जो है 128GB। बाकी सेलबडी के वारंटी डिटेल्स और iPhone 7 Plus के बैक की डिज़ाइन है विथ यूनिट का कलर। सेलबडी में ओपन बॉक्स, डेमो यूनिट और सील पैक्ड दोनों अवेलेबल होते हैं और ओपन बॉक्स वाले पर कोई प्लास्टिक सील वगैरह नहीं होता क्योंकि ये पहले ओपन हो चुका होता है डेमो के लिए। बैक में मेंशन है इसके वेरिएंट डिटेल, सीरियल नंबर और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। बॉक्स में पता नहीं क्यों ये पतला वाला दिया है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है iPhone 7 Plus N तक बड़े वाले डब्बे के साथ ही अवेलेबल था, बट देखते हैं आगे। तो फोन का बॉक्स ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में सबसे पहले है हमारा iPhone 7 Plus मैट ब्लैक कलर में। इस पर भी प्लास्टिक सील नहीं लगा हुआ है ओपन बॉक्स होने की वजह से। नेक्स्ट है USB A टू लाइटनिंग पोर्ट वाला चार्जिंग केबल। इसमें चार्जिंग एडेप्टर नहीं है, अगर आपको चार्जर चाहिए तो उसके लिए 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया वाला पैकेट। इसके अंदर है कुछ डॉक्यूमेंट, यूजर मैनुअल और सिम इजेक्टर टूल। सेलबडी में अभी एक न्यू ईयर ऑफर चालू है जहां आपको सभी आईफोन्स पर फ्री एयरपॉड प्रो मिलेंगे। साथ में कुछ स्क्रैच एंड विन ऑफर भी है। डिटेल्स जानने के लिए आप सेलबडी के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। तो ये है हमारा iPhone 7 Plus मैट ब्लैक कलर में, और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि यूजेज के थोड़े बहुत मार्क्स है जो इस मैट ब्लैक कलर पर इजीली आ जाते हैं बिना ज़्यादा यूजेज के भी। बाकी फ्रेम पर ऐसे कोई मेजर स्क्रैचेस या डेंट वगैरह नहीं है। आगे स्क्रीन पर पहले से ही स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है, बाकी स्क्रीन एरिया में तो कोई यूजेज के मार्क नहीं है। ओपन बॉक्स यूनिट्स में मोस्टली 97 से 100 के बीच बैटरी हेल्थ होती है। आप फोन को बूट करके वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो फोन फाइनली बूट हो चुका है, काफ़ी टाइम लग गया इसे सेटअप करके ऐप वगैरह डाउनलोड करने में। ये iPhone 7 Plus रन कर रहा है iOS 15.7.1 पर। इसमें iOS 16 का अपडेट नहीं आया जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि 6S और 7 Plus दोनों के लिए साथ में अपडेट आना बंद हो गए। बाकी इसकी बैटरी हेल्थ 100% है ओपन बॉक्स यूनिट होने के बाद भी। iOS 15 पर होने के बाद भी इसको यूज़ करने में कोई इशू नहीं आता, सभी लेटेस्ट ऐप्स, गेम्स वगैरह चल जाते हैं, इंक्लूडिंग जीपे और दूसरे ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स। यूज़र इंटरफेस काफ़ी सिंपल और स्मूथ है, कोई लैग नहीं है जो इसका एक प्लस पॉइंट है। जबकि ये फ़ोन ओरिजिनली iOS 10 के साथ लॉन्च हुआ था 2016 में और 5 मेजर अपडेट्स आ चुके हैं इस फ़ोन पर। और ये इसीलिए है क्योंकि एप्पल अपने सॉफ्टवेयर को इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करता है कि 5 साल पुराना फ़ोन भी अपडेट होने के बाद स्लो नहीं पड़ता। इसमें आपको 2900mAh की बैटरी मिलती है जो आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी कम है, और नॉर्मल यूजेज जैसे फुल डे वाईफाई, व्हाट्सएप, फेसबुक के साथ मुझे इसमें 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है जो कि डिसेंट है। वैसे तो ये फोन 5W स्लो चार्जिंग ही सपोर्ट करता है, बट अगर आप इसे iPad के 12W चार्जर से चार्ज करेंगे तो ये थोड़ा फास्ट चार्ज हो जाता है। सोशल मीडिया ऐप जैसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम बड़े आराम से चल जाते हैं, फिल्टर्स फास्ट लोड होते हैं और कोई लैग नहीं है। और iPhone ओनर्स अच्छे से जानते हैं कि iPhone पर स्नैपचैट का आउटपुट इस रेंज के दूसरे एंड्रॉइड फोन से काफ़ी बेटर है। इसी तरह इंस्टाग्राम भी स्मूथ है, इस पर स्क्रोलिंग एंड स्वाइपिंग बटरी स्मूथ लगता है, फास्ट स्क्रोल करने पर भी कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं है। अब डिजाइन की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको 5.5 इंच का रेटिना IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद कस्टम गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन एंड ओलिफोबिक कोटिंग फ्रंट में। ऊपर और नीचे काफी बड़े बेजल है जिसमें नीचे है टच ID सेंसर। साइड में है मैट फिनिश एल्युमिनियम फ्रेम जो कंटिन्यू होता है बैक पैनल तक वन पीस में। फ्रंट ग्लास और मैट फिनिश एल्युमिनियम बैक पैनल के साथ फोन काफी प्रीमियम दिखता है, स्पेशली ये मैट ब्लैक कलर में, और 15,000 के रेंज में शायद ही कोई दूसरा फोन होगा जो ऐसी क्वालिटी के साथ आता है। iPhone 7 Plus IP67 सर्टिफाइड वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट भी है। फोन पर नीचे दिया है माइक, लाइटनिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में है सिम कार्ड स्लॉट और लॉक बटन। लेफ्ट में है वॉल्यूम बटन्स और म्यूट अनम्यूट स्विच। बैक में मिलता है ड्यूल 12 मेगापिक्सल कैमरा विद ड्यूल LED ड्यूल टोन फ्लैश। फ्रंट में है 7 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और ईयरपीस जो स्पीकर का भी काम करता है क्योंकि इस फोन में स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। iPhone 7 और 7 Plus के स्मैट ब्लैक कलर में एक इशू है कि अगर आप इसे कितना भी केयरफुली यूज़ करें या कवर के साथ भी यूज़ कर ले तो भी बॉडी पर ऐसे मार्क्स आ जाते हैं। फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगी, फ़ोन काफ़ी कंफर्टेबल लगता है एक हाथ से यूज़ करने में। होम बटन पर डबल टैप करके आप इजी रीच का फंक्शन ऑन कर सकते हैं। ग्रिप भी काफ़ी अच्छा मिलता है और एल्युमिनियम बॉडी होने के बाद भी फ़ोन ज़्यादा हैवी नहीं है, और आज भी काफ़ी लोग इसी टच आईडी होम बटन वाले डिज़ाइन को प्रेफर करते हैं, इसलिए आज भी एप्पल SE सीरीज़ में यही डिज़ाइन देता है।
अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आईफोन 7 प्लस में दिया है एप्पल A10 फ्यूजन चिप विद क्वाड कोर प्रोसेसर एंड पावर वीआर सीरीज 7XT प्लस 6 कोर ग्राफिक जीपीयू। आईफोन 7 प्लस 3 स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है 32GB, 128GB और 256GB ऑल पेड विद 3GB ऑफ रैम। एप्पल A10 काफी पावरफुल प्रोसेसर है अपने टाइम का और आज भी लेटेस्ट गेम्स हाई ग्राफिक्स पर चला लेता है आराम से। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया या पबजी में स्मूथ पर अल्ट्रा FPS और HDR पर हाई FPS तक का सपोर्ट मिलता है, जबकि इसी प्राइस में ओप्पो A57 अवेलेबल है जिसमें स्मूथ और बैलेंस मोड पर मीडियम FPS तक का ही सपोर्ट है और HD का तो सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो यह iPhone 7 Plus इस रेंज के दूसरे कुछ फोन से बेटर है। जायरो भी इसका काफी अच्छा काम करता है, काफी फास्ट एंड एक्यूरेट है। आप देख सकते हैं कि स्मूथ ग्राफिक्स विद अल्ट्रा FPS पर गेम प्ले काफी अच्छा है, गेम काफी स्मूथ चल रहा है और कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं है और दूर के ऑब्जेक्ट्स का लोडिंग इश्यू भी नहीं आता। गेमिंग के वक्त बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होती है तो हैवी गेमर्स को थोड़ा परेशान कर सकता है, बाकी एल्यूमिनियम बॉडी होने की वजह से जल्दी हीट हो जाता है, बट वो नॉर्मल इशू है हर ग्लास और मेटल वाले फ़ोन में, बट उससे गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इसे कम प्राइस में गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हैं तो ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आप कैमरा की बात करेंगे तो इसमें आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, पहला 12 MP f/1.8 एपर्चर कैमरा विद फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर और दूसरा 12 MP f/2.8 एपर्चर टेलीफोटो कैमरा विद 2x ऑप्टिकल जूम। स्टॉक कैमरा ऐप में कुछ बेसिक फीचर मिलते हैं जैसे कि टाइम लैप्स, लाइव फोटो, HDR मोड, लाइव फिल्टर्स, पोर्ट्रेट मोड और पैनोरमा। आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 FPS पर और 240 FPS स्लो मोशन वीडियो का भी ऑप्शन है। फ्रंट में है 7 MP f/2.2 एपर्चर सेल्फी कैमरा जो रिकॉर्ड कर सकता है 1080p एट 30 FPS। फ्रंट कैमरा में भी लाइव फिल्टर्स, लाइव फोटो और HDR का सपोर्ट है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं। iPhone 7 Plus 2016 में कैमरा किंग था और आज भी ये फोन डिसेंट फोटोज कैप्चर करता है। इनमें से कुछ फोटोज मेरे पुराने iPhone 7 Plus के हैं जो मैंने इंटरनेशनल टूर के वक्त कैप्चर किया था। डे टाइम पिक्चर्स अच्छे आते हैं, फोटो शार्प और कलर्स नेचुरल है। पोर्ट्रेट फोटोज आज भी काफी अच्छे आते हैं, एज डिटेक्शन काफी अच्छा है और स्किन टोन्स भी काफी अच्छे से मेंटेन करता है। HDR शॉट्स नॉर्मल लाइट में डिसेंट है, बट डायरेक्ट सनलाइट में ये फोन सन को ओवर एक्सपोज कर देता है फोरग्राउंड के डिटेल्स मेंटेन करने के लिए या फिर कभी कभार फोरग्राउंड को डार्क कर देता है। इंडो लाइटिंग कंडीशंस में फोटोज अच्छे आते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट है अच्छी लाइटिंग में, बट कम लाइट होने पर फोटोज डार्क आते हैं नाइट मोड ना होने की वजह से और लाइट्स भी थोड़ी ओवर एक्सपोज हो जाती है। सेल्फीज डिसेंट है इस पर, फोटो शार्प है, डिटेल्स और स्किन टोन्स अच्छे से मेंटेन करता है, बट डायरेक्शन लाइट में इसका HDR हल्का ओवर एक्सपोज करता है बैकग्राउंड को। यह है इसका वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर्स की बात करेंगे तो नेचुरल है और OIS होने की वजह से वीडियो अच्छा खासा स्टेबल रहता है जो इस रेंज के दूसरे किसी भी फोन में नहीं मिलता। HDR डिसेंट काम करता है इसमें और ओवरऑल वीडियो क्वालिटी इस रेंज के दूसरे फोन से काफ़ी बेटर है, बाकी फोकस स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें आपको टच ID फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो काफ़ी फास्ट एंड सिक्योर है और होम बटन पर इसमें क्लिक के जगह सॉफ्ट हैप्टिक फीडबैक दिया है जो पुराने iPhone से काफ़ी बेटर लगता है। वीडियोस देखने का iPhone में हमेशा से ही काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू रेटिना डिस्प्ले और इसमें भी वही केस है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको 5.5 का रेटिना IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद 1080x1920 पिक्सल्स एंड 401 PPI डेंसिटी। डिस्प्ले शार्प है, कलर्स वाइब्रेंट है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छा मिलता है। व्यूइंग एंगल्स डिसेंट है, डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी अच्छी है, 12 बजे की धूप में डिस्प्ले अच्छे से विजिबल रहता है तो बाहर यूज़ करने में कोई मेजर इशू नहीं आएगा। तो अब करते हैं इसे स्पीकर का साउंड चेक। इसमें स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ, तो साउंड चेक करते हैं। साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो स्टीरियो स्पीकर होने का जैसे साउंड अच्छा खासा लाउड है, साउंड क्रिस्प एंड क्लियर है और फुल वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्ट नहीं होता, तो 12-13 हज़ार में आपको कंटेंट वॉचिंग के लिए बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि एक 4G फोन है और इंडिया में काफ़ी सीरीज में अब 5G अवेलेबल हो चुका है तो इसमें आप उसका मजा नहीं ले पाएंगे। बट अगर आपको 11,000 तक बेस्ट 5G फोन लेना है तो लावा ब्लेज 5G ले सकते हैं, रिव्यू लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये था हमारा फुल एंड फाइनल रिव्यू ऑफ iPhone 7 Plus इन 2023। ये आज भी काफ़ी अच्छा फोन है जिस प्राइस में अवेलेबल है, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस इस प्राइस के दूसरे फोन से काफ़ी बेटर है और डे टाइम कैमरा आज भी काफ़ी अच्छा है। बैटरी बैकअप डिसेंट है बट नाइट फोटोज बस ओकेश है। बट आज जिस प्राइस पर iPhone 7 Plus अवेलेबल है ये एक बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो iPhone खरीदना चाहते हैं बट काफ़ी कम प्राइस में, और काफ़ी बेटर ऑप्शन है ओप्पो A57 और Vivo Y22 जैसे फ़ोन से। अगर आप इसे बेस्ट प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो सेल बड़ी के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये iPhone कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोज़ के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।